अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो ज़ियारत तलाश से आगे हमारा सफ़र शुरू हुआ। हम ओडी ग्राम के इलाके से गुजर रहे थे और दरिया चित्राल हमारे साथ साथ चल रहा था। उसके पस मंज़र में पहाड़ और खूबसूरत कुदरती जंगल था। तो खैबर पख्तूनख्वा के ये खूबसूरत नज़ारे आप भी देख सकते हैं। हम ओडी ग्राम के खूबसूरत इलाके से गुजर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के चंद खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता है, और इसके नज़ारे हम आपको भी दिखा रहे हैं। देखें और इन्जॉय करें। तो ओडी ग्राम के खूबसूरत इलाके से गुजरकर हम आगे दानों के इलाके में दाखिल हुए, जो बजाते खुद एक बहुत खूबसूरत इलाका था। ये भी खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई हसीन इलाकों में से एक है। तो इसके बाद हम रबात के इलाके में दाखिल हुए। यहाँ से भी दरिया का पहाड़ी पस मंजर में नज़ारा बखूबी किया जा सकता था। और रबात के बाद हम आगे बलामबिट गए। बलामबिट और रबात ये भी चित्राल के खूबसूरत इलाकों में से हैं। और इसके बाद हम खाल में दाखिल हुए। खाल जो दरिया के किनारे वाके खूबसूरत गांव है, और इसमें भी जंगल और पहाड़ों का पस मंजर दरिया के साथ साथ चलता है। तो ये इंतहाई खूबसूरत मंजर था नाजरीन, और आंखों के लिए एक फीस्ट पेश कर रहा था। तो आगे हम आपको अपने सफर में साथ साथ रखेंगे। खाल से आगे निकलकर हम आगरम के इलाके में दाखिल हुए, जो खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत इलाका है। और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की एक चेक पोस्ट भी मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं आगरम। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि इस खूबसूरत सफ़र को आपने भी पसंद किया होगा। तो आगे हम चित्राल की जानिब सफ़र करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।